अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस ये मेरी बर्थडे का व्लॉग है। यहाँ मेरे बाबा वाले चाट कहते हैं पानी वाला चाट होता है, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। वैसे बहुत मज़े की बनी है, मुझे छुट्टी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया और आज मेरी बर्थडे भी है। हम अभी हम चीज़ें रह जाएंगे शाम को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो खाना बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस हम ज़्यादा बड़ी बर्थडे नहीं करेंगे, हम छोटी सी बर्थडे करेंगे और ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करेंगे। और जो जो हम बनाएंगे और जो जो लेके आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे हमारे चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल ब्लॉग देखना। तो आज के मेन्यू में हमारे पास दही भल्ले, स्टीम चिकन स्पैगेटी थी, और दही भल्लों की तैयारी के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया था, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर थे। और भल्लों का जो मिक्सर था उसमें मैंने अजवाइन, सोडा, नमक, लाल मिर्च, तो फिर जो है ना हमने अच्छे तरीके से पानी के साथ घोल लेना, और बीच में कोई लम्ब नहीं होने चाहिए। दही के बैटर में हम लोगों ने टाटरी डालनी है, नमक डालना है, सफ़ेद जीरा डालना है, लाल मिर्ची डालनी है और चाट मसाला डालना है। ये सब तमाम चीज़ें जो है हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ सा बने। स्पैगेटी के लिए हम लोगों ने प्याज का कलर चेंज कर लेना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के मैरिनेट कर लेना है, और उसको बीच में डाल के अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें टमाटर का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, जीरा, गर्म मसाला और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और सब्जियाँ डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम लोगों ने स्पैगेटी ऐड कर देनी है, बस मिक्स कर लेना ताकि इसमें सारा मसाला मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें स्मोक भी दिया था कोयले का, और जिससे फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था, और आप देखें शक्ल कितनी प्यारी निकली है। A few inches later. इंशाल्लाह अगली बार बड़ी बर्थडे करेंगे, और अभी ये देखें मेरी छोटी बहन मेरे साथ केक काटेगी। केक हमने अपनी चाची से बनाया, उनकी होम बेकरी है, और अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत मजे का बना है। अभी हम खाना खाने वाले हैं, खाने में मम्मा ने स्टीम बनाया है। हम आपसे खाना खा के मिलते हैं। तो गाइस मेरी बर्थडे खत्म हो चुकी है, स्टॉक को करते हैं यही शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपकी तरफ से मुझे यही गिफ्ट होगा कि आप हमारे 200 सब्सक्राइबर करवाएं।